ये पहला प्रधानमंत्री है जो उद्योगपतियों के हाथों में खेला। अडानी पूरे वर्ल्ड के अंदर नौवे नंबर पर आ गया, उसकी आय बढ़ती जा रही है, किसान की आय घटती जा रही है। जिस किसान को अपनी मतलब अपनी आय जो कमाता है उसका भी ढंग से उसका मूल्य नहीं मिल पाता, उसकी ढंग से एमएसपी नहीं मिल पाती, उसको 1000 किलोमीटर चल के दिल्ली आना पड़ता अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। उसके बाद उस पर गोले छोड़े जाते हैं, उसके ऊपर आंसू कैसे गोले छोड़े जाते हैं, उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये लोकतंत्र है हमारे देश का, इस लोकतंत्र की दुहाई देते हैं हम लोग। जय जवान जय किसान का नारा बस, ये जय किसान का जय जवान का, ये किसान जवान बॉर्डर पे मर रहा है, किसान यहाँ पे मर रहा है, किस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं ये? शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी को? शर्म नहीं आता इन पुलिस वाले को, जवान से आर्मी के लोगों से किसानों को पिटवाते हुए, इनको शर्म नहीं आती? क्या मांग रहा किसान? किसान किसी देश को मांग रहा है क्या? तुम्हारे रिजर्व बैंक का खजाना मांग रहा है क्या किसान? मरता है किसान तो मरने दो, कोई सुशांत का केस थोड़ी है। जलते हैं खेत खलियां तो जलने दो, कोई रैनत का मकान थोड़ी है। इन्होंने जगह जगह बैरिकेड लगवा दिए, इन्होंने जगह जगह गड्ढे खुदवा दिए, कभी देखना नेशनल हाईवे खुदवा देना, ये कितनी मतलब आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ किसी सरकार ने किसी किसान को किसी आंदोलन को कुचलने के लिए गड्ढे करवा दियो, नेशनल हाईवे को खुदवा दिया हो कभी आपने भविष्य में कभी सुना है? किसान दुनिया का पेट भरने वाला, जिस दिन किसानों ने खेती करना बंद कर दिया उस दिन तपस्वियों के तब धरे रह जाएंगे, उद्योगपतियों के कल कारखाने धरे रह जाएंगे, और ये नेता जो लोग घूम रहे हैं ना, ये जो विदेश जा रहे हैं, इनके लंबे चौड़े भाषण भी धरे रह जाएंगे। इसमें किसानों की आय को लेकर देखो, दुगनी आय की बात करी थी मोदी सरकार ने, किसान की रही सी आय को भी नहीं छोड़ रहे, पूंजीपतियों के हाथों बेचा जा रहा है, किसान के हाथों को काटा जा रहा है। क्या मोदी सरकार को दिखाई नहीं देता नरेंद्र मोदी 2 दिन की विदेशी यात्राओं पर चले गए? इनको शर्म नहीं आती कि किसान को किस तरह के किसे अधर जाल में छोड़ के जा रहे हैं? हरियाणा और राजस्थान पंजाब के सिख सपूतों ने जब भी बिगुल बजाया है तब भी कोई नई क्रांति आई है और व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। जो बेस्ट मीडिया है जिसको जी न्यूज और इस तरह के जो चैनल्स हैं, ये चैनल्स का क्या हो गया है? ये अपने आकाओं के इशारों पे चलते हैं, आय की सारी पूंजी इन घरानों को दी जा रही है, और नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलकर देश में बंटवारे की करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस कृषि मंत्री को ये नहीं पता बाजरा कौन से सीजन में बोया जाता है, वो हमारे देश का कृषि मंत्री है। ये हमारे लिए ये क्या है? हमारे देश का दुर्भाग्य है। दिल्ली के बुरारी निरंकारी ग्राउंड में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो हरियाणा पंजाब से किसान निकले थे, लंबे संघर्ष के बाद अब उन्हें यहां पर प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिली है। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्यों किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अब यहां पर आकर परमिशन तो मिल गई है, उनकी मांगों को क्या माना जाएगा? 3 दिसंबर का जो टाइम दिया है उसको कैसे देखते हैं? उसको ऐसे देखते हैं, यह धरना प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी अब रूप ले लिया है, यह धरना प्रदर्शन खत्म होने वाला नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब किसानों की मांग का समय आया, उनकी यूनिटी को देखने के समय आया, दिल्ली में हमारे किसान हरियाणा और राजस्थान पंजाब सब जगह से घुस गए हैं, तब उनको इनकी समस्या के बारे में विचार करना चाहिए, तब वो विदेश यात्रा में निकल गए हैं। मेरे भाइयों, मरता है किसान तो मरने दो, कोई सुशांत का केस थोड़ी है, जलते हैं खेत खलियां तो जलने दो, कोई रैनत का मकान थोड़ी है। ये लोग जब अरुणव गोस्वामी के लिए बंद कोर्ट कचहरी रात को 2 बजे खोल करके उनको जमानत दे दी जाती है, और किसानों की बात आज 3 महीने से रोड पे रेलवे पे भूख प्यास से पंजाब से हरियाणा से सब जगह से पूरे भारत के राष्ट्र के किसान अब तैयार हो गए हैं, तब इनके पास समय नहीं, उनकी बात उनकी मजबूरी सुनने के लिए उनके पास समय नहीं। तो मेरा कहना, जिस दिन किसान नामक प्राणी इस धरती पर नहीं रहेगा तो न्याय की तो छोड़ दो, ये धरती भी नहीं होगी, जिस दिन बलवान नहीं होगी उस दिन पृथ्वी भी नहीं होगी, और किसान दुनिया का पेट भरने वाला। जिस दिन किसानों ने खेती करना बंद कर दिया उस दिन तपस्वियों के तब धरे रह जाएंगे, उद्योगपतियों के कल कारखाने धरे रह जाएंगे, और ये नेता जो लोग घूम रहे हैं ना, ये जो विदेश जा रहे हैं, इनके लंबे चौड़े भाषण भी धरे रह जाएंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं, जिस तरीके से इस आंदोलन को मीडिया जिस तरीके से दिखा रहे हैं, खालिस्तान का नाम मीडिया ले रही है, कुछ सर्वे उन्होंने निकाला है जिसमें वो कह रहे हैं कि 74% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ये आंदोलन जो है वो किसानों का नहीं है बल्कि ये राजनीति करने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे कि अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, हमारा जो मेन मीडिया है, जो मीडिया के जो बेस्ट मीडिया है जिसको जी न्यूज और इस तरह के जो चैनल्स हैं, ये चैनल्स का क्या हो गया है? ये अपने आकाओं के इशारों पर चलते हैं, जो इनके आंखों से जो आदेश होता है वो इन्हें बोलना है। जैसा आपने देखा होगा CA NRC को लेकर जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को इन्होंने देशद्रोही
वो पूरा देशद्रोही आंदोलन को बनाने की कोशिश की। ये खुद नहीं करते, इनको आदेश होता है। अच्छा। इनको पीएमओ से आदेश होता है, प्रधानमंत्री से आदेश होता है, उसके अनुसार ये सारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश करते हैं, ताकि जो जनमानस उस आंदोलन की आवाज को ना सुन सके, ना पहचान सके, ना उससे फीलिंग, जो फीलिंग आती है फीलिंग ना सके। इनको पता है आंदोलन को कैसे कुचलना है, बीजेपी उस चीज में मास्टर है। बीजेपी ने आज देखा जाए तो किसानों ने आज कल दिल्ली को कूच करने के लिए बोला था, इन्होंने जगह जगह बैरिकेड लगवा दिए, इन्होंने जगह जगह गड्ढे खुदवा दिए। कभी देखा ना नेशनल हाईवे खुदवा देना, ये कितनी, मतलब आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ किसी सरकार ने किसी किसान को किसी आंदोलन को कुचलने के लिए गड्ढे करवा दिए हो, नेशनल हाईवे को खुदवा दिया हो, कभी आपने भविष्य में कभी सुना है? इसके पीछे यही है कि किसान के जो किसान इकट्ठे होकर दिल्ली में कूच कर रहे हैं उनको तितर बितर किया जाए, इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। और एक जो ये आवाज आए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, कि कोई भी आवाज नहीं उठ रही नरेंद्र मोदी के खिलाफ, कोई भी आदमी आज तक कोई आंदोलन नहीं हुआ, तो को सब देश में मन चमन है, देश में बिल्कुल शांति है, इस तरह का मैसेज मीडिया देता है, लेकिन इतना देश परेशान है। देश में बेरोजगारी आपको देख रहे हो, बेरोजगारी का क्या आलम है पूरे देश के अंदर। देश में जो जीडीपी है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जीडीपी पूरी तरह से धरातल पे है। किसानों की आय को लेकर देखो, दुगनी आय की बात करी थी मोदी सरकार ने, किसान की रहीसी आय को भी नहीं छोड़ रहे, पूंजीपतियों के हाथों बेचा जा रहा है, किसान के हाथों को काटा जा रहा है। क्या मोदी सरकार को दिखाई नहीं देता? नरेंद्र मोदी 2 दिन की विदेशी यात्राओं पर चले गए, इनको शर्म नहीं आती कि किसान को किस तरह के किसी अधर जाल में छोड़कर जा रहे हैं? पंजाब में किसान पटरियों पर बैठा हुआ है, पंजाब का किसान परेशान है, उत्तर प्रदेश वेस्ट यूपी का किसान परेशान है, और ये जो अध्यादेश आनंद फानन में जो अध्यादेश लेकर आए हो, क्या मोदी सरकार को नहीं पता इसका परिणाम क्या होंगे? क्या मोदी सरकार नहीं जानते इसके अध्यादेश के परिणाम क्या होंगे? पूंजीपतियों को, किसानों को बेचा जा रहा है। अब ये पूंजीपति करेगा उसकी एमएसपी तैयार? एमएसपी पूंजीपति करेगा? ये कहां का न्याय है बताइए? जिस किसान को अपनी, मतलब अपनी आय जो उसको कमाता है उसका भी ढंग से उसका मूल्य नहीं मिल पाता, उसकी ढंग से एमएसपी नहीं मिल पाती, उसको 1000 किलोमीटर चल के दिल्ली आना पड़ता अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, उसके बाद उस पर गोले छोड़े जाते हैं, उसके ऊपर आंसू कैसे गोले छोड़े जाते हैं, उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये लोकतंत्र है हमारे देश का? इस लोकतंत्र की दुहाई देते हैं हम लोग? जय जवान जय किसान का नारा बस, ये जय किसान का जय जवान का, ये किसान जवान बॉर्डर पे मर रहा है, किसान यहाँ पे मर रहा है, किस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं ये? शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी को? शर्म नहीं आता इन पुलिस वाले को जवान से, आर्मी के लोगों से, किसानों को पिटवाते हुए, इनको शर्म नहीं आती? क्या मांग रहा किसान? किसान किसी देश को मांग रहा है क्या? तुम्हारे रिजर्व बैंक का खजाना मांग रहा है क्या किसान? किसान में अपने अधिकार मांग रहा है, वो कह रहा है जो मेरे मूल्य है, जो मेरी लागत है, लागत के बाद, जो मेरी लागत लगने के बाद जो मेरी पूरी पूंजी बनी है, मेरी फसल का जो दाम बढ़ा है वो मुझे दे दीजिए। आपसे वो भी नहीं दिया जा रहा। आज चले जाइए, आज किसान गेहूं का क्या मूल्य है? 1600 रुपये क्विंटल गेहूं को खरीदा जा रहा है। आज से 7 साल पहले भी यही रेट था, आज 7 साल बाद भी यही रेट है। क्या मिल रहा है किसान को? क्या किसी को दिखाई नहीं दे रहा? 40 रुपये किलो 45 रुपये किलो आलू मिल रहा है, लेकिन किसान का खरीद किस भाव में हो रहा है? उसकी सब्जियां किस तरीके खरीदी जाती हैं? क्या तुम्हें उनकी एमएसपी तय करने में कोई आफत आ रही है क्या? एक कानून बनाने के बाद आपने उसमें क्यों संशोधन नहीं किया? आपने इस कानून में यह भी लिख दिया कि अगर आप उसको कोर्ट भी नहीं ले जा सकते, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ले जा सकते, मतलब खुला, मतलब आपने ऐसा कानून बना दिया डिक्टेटर वाला, इस कानून को ऐसा बना दिया क्या आपने? मतलब आप चाहते क्या हो? इस देश को गुलाम, पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहते हो क्या देश को दोबारा से? ये पहला प्रधानमंत्री है जो उद्योगपतियों के हाथों में खेल रहा। अडानी पूरे वर्ल्ड के अंदर नौवें नंबर पर आ गया, उसकी आय बढ़ती जा रही है, किसान की आय घटती जा रही है। अडानी अंबानी की आय बढ़ती जा रही है, वर्ल्ड में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनको टेक ओवर कर रहे हैं हमारे यहाँ के बिजनेसमैन। ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि सारी चीज, आय के जितने भी सोर्सेज हैं, सारे के सारे इन्हीं घरानों को दिए जा रहे हैं, आय की सारी पूंजी इन घरानों को दी जा रही है। और नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलकर देश में बंटवारे की करने की कोशिश कर रहे हैं, बंटवारे को वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चलेगा नहीं। किसान, मैं पूरे देश के किसानों से अपील करता हूँ, सारे किसान, क्योंकि ये लड़ाई मेरी अपने अकेले की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के किसानों की है, हर वो किसान के बेटे की भी है, उस किसान, उन जो जवान जो यहाँ पर लठ लेके खड़ा हुआ उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप किसान के साथ नहीं आओगे तो किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान खत्म हो जाएगा। तो 3 तारीख का अगर वो वादा कर रहे हैं बात करने, सब छल है जी, सब छल है। नरेंद्र मोदी, आपको पता होगा जो हमारे कृषि मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं हमारे देश के, उनको ये नहीं पता सर बाजरा कौन से सीजन में बोया जाता है। जिस कृषि मंत्री को ये नहीं पता बाजरा कौन से सीजन में बोया जाता है, वो हमारे देश का कृषि मंत्री है। ये हमारे लिए ये क्या है? हमारे देश का दुर्भाग्य है, जिसे किसान मंत्री बना दिया, कृषि मंत्री बना दिया, उसे ये नहीं पता कि फसल कौन से सीजन में बोई जाती है। ये किसानों का भला करेगा? ये किसानों का भला करेगा?
जिस प्रधानमंत्री को जो बोलता है कि मेरी माँ बर्तन मांजा करती थी, मैं गरीब के घर में पला हूँ, मैंने चाय बेची है, उसे पता ये उसे पता कि क्या होता किसान का दर्द। अगर वो शायद ऐसा समझता तो ये नया अध्यादेश लाया जाता ना, इतना इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता। तो अभी क्या लगता है फिर? मुझे लगता है कि देखो किसान की आवाज़ बनेगी, किसान आएंगे और किसान एक दो दिन में दिखा देंगे इस सरकार को कि किसान की पावर क्या, कि किसानों को अभी तक यूज करा गया है, किसान में अभी राजनीति हो रही है। लेकिन जो सच्चा किसान है, चाहे मुझे कितने भी 50 दिन या 100 दिन या कितने भी दिन रहना पड़े, हम लोग रहेंगे। कोई राय किसान अगर कोई अपना हक अधिकार माने तो उसको राजनीति में का रूप दे दिया जाता है, और ये नेता लोग अपना जो हक अधिकार होता है रात के रात पास कर लेते हैं। एक बार इलेक्शन जीते तो एक पेंशन, दो बार जीते तो जो किसानों के लिए क्या पेंशन दी हुई छीन ली गई है। इसलिए अब क्रांति उठ चुकी है। हरियाणा और राजस्थान पंजाब के सिख सपूतों ने जब भी बिगुल बजाया है तब भी कोई नई क्रांति आई है और व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। वही समय आ गया आज कोरोना की महामारी में। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो आ रहे हैं, आने दो, देखो ये पूरा पंडाल भर जाएगा, पूरा राष्ट्र में आंदोलन होगा, और जब तक किसानों का हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हक अधिकार की तो वो बात करते हैं ना कि MSP की हम बात कर रहे हैं, देने की वो बात कर रहे हैं, फिर आप जो मांगे हैं वो किस चीज़ को लेकर है? मांगे किसानों के बिल के लिए एक चीज़ है, किसान 1 किलो धान 6 रुपया है, 1 लीटर पानी 20 रुपया, 1 किलो धान पैदा करने में कितने लीटर पानी लगता है ये सरकार से पूछा जाए। किसानों को जहाँ से चले से आज़ादी के बाद से आज तक वहीं के वहीं रह गए हैं, और ये नेता विधायक जो चले थे 10 रुपया और 50 रुपये तनख्वाह से 50,000 और 1.5 लाख तक पहुँच गए। क्या किसानों का हक नहीं बनता है? किसानों की पेंशन नहीं बनती, इनका मुआवजा नहीं, इनकी खेती सड़ जाती कोई मुआवजा नहीं, खेत खलिहान में इनका पुआल जलता है तो दिल्ली तक आँच आती है, और इनके खेती बाड़ी जल जाती है, किसान मर जाते हैं तो उसकी आवाज़ इनके थाने और ब्लॉक तक नहीं जाती। ये है दुर्भाग्य हमारे देश का। जिस दिन जिस देश की हालत सबसे ख़राब है, वो जिस देश की हालत ख़राब है उस देश का किसान की हालत ख़राब, नहीं तो भारत विश्व गुरु होने की जगह पे आज किसानों को ही सिर्फ मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इसलिए भारत की हालत ख़राब हो रही है।